एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में फाइनली मैं हील हॉल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो काफ़ी सारी मैंने हील परचेज़ करी हैं मीशो से, और सारी ही अंडर 500 होने वाली हैं। कुछ ही हील्स हैं जिनका प्राइस जो है ना वो 100 या 50 ऊपर नीचे हो जाएगा, बाकी ऑलमोस्ट जो बजट है वो मैंने 500 का रखा है। एंड अपने पूरी यूट्यूब की 2 ईयर की जर्नी में ये मेरा फर्स्ट हील हॉल होने वाला है, और काफ़ी टाइम से मैं इसे कलेक्ट कर रही हूँ। एंड काफ़ी सारे मेरे पास ऑलरेडी ना मैंने इनको अनपैक कर लिया है, एंड इसके अलावा और भी हैं मेरे पास 7 से 8 आइटम हैं जो मैंने परचेज़ किए हैं मीशो से। सो कुछ इतने हैं और भी एक है, सो वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड जो भी साइज़ रहेगा वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगी, एंड जो प्राइस रहेगा वो भी मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, और जितनी मेरी हाइट है वो भी आप देख सकते हो। एंड मैं बहुत ज़्यादा हील वाली पर्सन नहीं हूँ, मेरी जो हाइट है ना वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो उस अकॉर्डिंग मुझे हील मतलब बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल भी लगती है और आदत भी नहीं है पहनने की। बट मैंने कम्युनिटी पे जो पोस्ट डाला था उस पर वोटिंग आने की वजह से मुझे शेयर करना था, एंड कुछ डिफरेंट भी शेयर करना था। काफ़ी अच्छे अच्छे ड्यूप्स होने वाले हैं जो कि आपको ज़ारा पे एंड H&M पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, ऑलमोस्ट 5000 से ऊपर ही चले जाते हैं, 7000 8000। एंड मीशो पे आपको जस्ट 500 के अंडर ही अंडर मिल जाते हैं। एंड अभी मीशो पे ना सुपर कॉइन्स हैं एंड ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो आपको वहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छा। सैलरी को मैंने दांव पे लगा दिया है क्योंकि व्यूज़ तो अभी इतने ज़्यादा कोई खास आते नहीं हैं, बट फिर भी मैंने बहुत ही अच्छा खासा खर्च करके इस वीडियो को बनाया है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर रिसीव हुई थी। अच्छा, पैकिंग मैंने पहले ही कर ली थी, ये कुछ पिक्चर मैं साइड में देती जाऊँगी यहाँ पर, तो वो आप देख लेना। एंड ये मुझे कुछ इस प्रकार से रिसीव हुई है, फ्लैट है ये कुछ इस तरह के हैं, इसमें आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे इस तरह का। ये राइनस्टोन यहाँ पे वर्क किया हुआ है, एंड इस तरह से ये पूरा फ्लैट है नीचे से। एंड मैंने जिसमें साइज़ पिक किया है वो 41.8 है, आप चाहो तो 7 भी परचेज कर सकते हो, बट 8 मुझे काफ़ी अच्छे से फिट आता है। और मेरी जो हाइट है वो आप स्क्रीन पर देख लेना, मुझे याद नहीं रहता मेरी हाइट कितनी है, तो उस अकॉर्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड इस तरह से यहाँ पे ना फोम वगैरह लगा हुआ है, एंड इसकी जो फिनिशिंग है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस तरह से जो राइनस्टोन का वर्क है बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी पहनने पर। एंड इसका जो प्राइस मुझे पड़ा था वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दे दूँगी, और साइज़ वाइज प्राइस पर बहुत ही ज़्यादा कोई प्यारी लगती है। एंड इसका जो प्राइस है प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये सैंडल है, एंड इसमें आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही कोई अच्छी सैंडल है। सेकंड मैंने जो परचेज़ की थी वो है ज़ारा का ड्यूप, ज़ारा पे इसका प्राइस आपको मुझे पिक्चर मिलेगी वेबसाइट से, तो मैं आपको लगा दूँगी यहाँ पे। ज़ारा पे इसका जो प्राइस है वो 5000 से भी ऊपर ही चला जाता है। मीशो पर मुझे मिली है ये जस्ट, मुझे इसका ट्यूब मिल गया है मीशो पर, तो अगर आपको विजिबल हो तो यहाँ पे ना इसकी जो है ना कील से जैसे ठुका हुआ होता है तो वो यहाँ पे विजिबल हो रही है, एंड इसकी हील कुछ इतनी आ जाती है, एंड पहनने पे बहुत ही ज़्यादा कोई खूबसूरत लगती है। तो मैंने इसमें जो प्राइस पिक किया था वो है 8.48 है, मतलब यहाँ पे मेंशन होते हैं ना 48, 41, 7 इस तरह से होते हैं। सो आप अगर आपको अपना साइज़ नहीं पता है तो आप अच्छे से मेजर कर सकते हो, मेजर करने के बाद ही आप उसे ऑर्डर करना। एंड मीशो पे जो सैंडल्स होती है ना वो ज़्यादातर आपको बड़ी ही आ जाती हैं, तो अगर आप एक साइज़ कम ऑर्डर करोगे तो आपको अच्छे से परफेक्टली फिट आएगी, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। एंड इसका जो ये स्ट्रैप है ना वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, मतलब पहनने पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, एंड अच्छी खासी इसकी हील है। और साइड में मैं आपको वीडियो भी दे दूँगी, इस तरह से इसमें जो जिगजैग वाला होता है ना पैटर्न, यहाँ पे जिगजैग वाला पैटर्न बना हुआ है जिससे आप बिल्कुल भी स्लिप नहीं होते हो टाइल्स वगैरह पे अगर आप चल रहे हो ना। वैसे मुझे हील की इतनी आदत नहीं है, मतलब पहनती नहीं हूँ, बट जितनी भी हील मैंने पहनी है तो अगर इसमें ये इस तरह से पैटर्न होता है ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल रहता है, गिरने का कोई भी चांस नहीं रहता है। तो ये ज़ारा का ड्यूप है, और इसका कुछ कलर बेज एंड न्यूट सा आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अभी भी ट्रेंड में है, एंड आगे भी इसका ट्रेंड रहेगा क्योंकि काफ़ी टाइम से ट्रेंड में है, और हर कोई ये आप हर तरह के आउटफिट के साथ भी पहन सकते हैं, जैसे वेस्टर्न हो गया, इंडियन हो गया। सो काफ़ी अच्छी लगती है, अगर आपको ये भी परचेस करना है तो आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पे कुशन सा ऐसा लगा हुआ है ना, कम्फर्ट आपकी जो हील होती है ना एड़ी होती है वो यहाँ पर बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, अच्छी खासी कम्फर्टेबल है।
सो साइड में आप ट्राई ऑन हॉल भी देख सकते हो। इसको मैंने जिस तरह से ट्राई किया है और दिखाया है अच्छे से, काफ़ी मेरा सेकंड परचेज। इसके बाद अगेन मैंने हील ही परचेज की थी और पिक्चर में मुझे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोई अच्छी सी शो हो रही थी तो मैंने ऑर्डर कर दी थी। इसमें कलर ऑप्शन नहीं है एंड कुछ की जो पैकिंग है ना बहुत अच्छे बॉक्स में मीशो भेज देता है और कुछ की इतना घटिया है, जैसे कि इसका से अच्छा। जब मैं वहाँ पे ऑर्डर कर रही थी तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे इतनी अच्छी हील रिसीव होंगी। सो पिक्चर में कुछ इस तरह से लग रही थी एंड मुझे रिसीव हुई है बिल्कुल सेम एंड इस तरह से यहाँ पे वो बना हुआ है और कलर एग्जैक्ट जैसा दिखाया था ना पिक्चर में वैसा ही मुझे रिसीव हुआ है। सो साइड में आप वीडियो भी देख सकते हो एंड इस तरह से यहाँ पर हल्की सी जो फिनिशिंग है ना उसमें कमी है। प्राइस के अकॉर्डिंग मीशो पे अगर आपको ये मिल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अजियो पे अमेज़ॉन पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलती हैं एंड वेबसाइट पे अगर ब्रांडेड लोगे ना तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो हल्की सी इसमें ये ख़राबी है, बाकी ओवरऑल अच्छी खासी कंफर्टेबल है एंड यहाँ से इस तरह से काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश इसकी हील है, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसपेरेंट ही यहाँ पर इस तरह से एक स्ट्रैप दी हुई है। अच्छा खासा ये बड़ा सा बो बना हुआ है ना, पहनने में ना बिल्कुल लुक चेंज कर देती है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड इसमें जो मैंने साइज पिक किया था वो 41.8 है, तो यहाँ पे 41 शो होगा आपको सैंडल पे एंड वहाँ पे जब आप देखोगे तो 41.8 होगा, तो मेरा साइज 8 है। इस एक नंबर ये थोड़ी बड़ी भेज रहे हैं तो आप 7 चूज़ करोगे तो आपको अच्छे से फिट आएगी एंड बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, फिनिशिंग एंड और सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है, कंफर्टेबल है पहनने पे ना। इसका जो ये यहाँ पे स्ट्रैप दिया हुआ है ना तो ये काफ़ी अच्छे से आपके पैर को होल्ड करके रखता है, बिल्कुल भी फिसलने का इधर उधर लड़खड़ाने का कोई चांस नहीं है। ओवरऑल ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है और वो जो फ्लैट थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसकी क्वालिटी ट्रैक में बहुत अच्छी है। तो अगर आपको ये भी परचेस करना हो तो आप कर सकते हो। इसमें वहाँ पे कोई कलर ऑप्शन मुझे नहीं दिखा था और दिखता भी तो मैं ये पिंक वाला ही लेती, क्योंकि अगर आपका कोई सिंपल सा आउटफिट है ना इस तरह की हील अगर आपने वेयर की तो बहुत ही अच्छा कोई लुक आएगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो ये इसकी हील है ना वो भी, और इसका कलर तो इसका जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। प्राइस जो इसका है वो मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, लिंक भी आपको सारे ही सैंडल्स का मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो चेक कर लेना। सो ये मेरा थर्ड परचेज था, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके अलावा मैंने कौन सी हील परचेज की। फोर्थ है, हाँ ये फोर्थ वाला बॉक्स है और ये भी अच्छे खासे बॉक्स में मुझे रिसीव हुई थी, तो पैकिंग भी काफ़ी अच्छी थी एंड जो आउटर पैकिंग थी वो मैंने पहले ही कर ली थी। अगेन मैंने एक ट्रांसपेरेंट हील परचेज की है, ये कुछ इस तरह से दिखती है, ओह माय गॉड बहुत ही ज़्यादा कोई ब्यूटीफुल सी एंड खूबसूरत सी है। इस तरह से यहाँ पे ये डबल बो बना हुआ है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा था। कोई भी मीशो से हील ऐसी नहीं है जो पसंद ना आई हो प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग ना, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी है एंड इसका जो हील का पैटर्न है, अच्छा जितने इंच की है वो भी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, मैं अच्छे से मेंशन कर दूंगी क्योंकि मुझे अभी इतना याद नहीं है। एंड इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी, इसका ट्रेंड ना अभी तक चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, अभी भी ट्रेंड में है क्योंकि अभी हर आउटफिट के साथ चली जाती है, चाहे वो इंडियन आउटफिट हो चाहे वो वेस्टर्न हो, ओवरऑल इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। पहनने का जो पीछे का पैटर्न है ना यहाँ पे इस तरह से, ये जो इसका सोल है, सोल बोलते क्या बोलते तो वो जिगजैग है, ऐसे टाइल्स पे ना फिसलेगी नहीं, अच्छे से आप इसको पहन के चल फिर सकते हो। क्वालिटी ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरे इस वाले आउटफिट के साथ मैच भी हो रही है एंड हील भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड यहाँ पे ना इस तरह से कुशन जैसा कुछ फोम जैसा लगा हुआ है जिसको पहनने पे ना आपको जो एड़ी होती है उसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, अच्छी खासी कंफर्टेबल है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये मुझे बड़ी आ गई है, एक नंबर बड़ी आ गई है, मैंने इसमें जो साइज़ पिक किया था 41.8 किया था और पहनने पर ये थोड़ी सी मुझे लूज़ भी आ रही है। सो मीशो पे आपको इजीली रिटर्न एंड एक्सचेंज मिल जाता है, सो आप इजीली रिटर्न भी कर सकते हो एंड एक्सचेंज भी कर सकते हो अगर आपको कुछ साइज़ का इशू है या कुछ डैमेज है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है एंड बहुत ही फास्ट सर्विस है मीशो की इजी रिटर्न एंड एक्सचेंज की। आपको ट्रांसपेरेंट बिल्कुल सिंपल वाली नहीं पसंद है तो आप ये वाली भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग इसकी क्वालिटी है एंड काफ़ी अच्छी लग रही थी पहनने पे भी। सो ये वाली भी हाईली रिकमेंडेड है, अब सभी हाईली रिकमेंड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सबकी क्वालिटी ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी है और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मीशो से बाद जो मैंने परचेज की थी वो भी अच्छे खासे बॉक्स में मुझे इसी तरह से रिसीव हुआ था, ऊपर ही मेरा सब कुछ नाम वगैरह मेंशन था एंड ये मैंने ब्लैक कलर में एक बेली मंगवाई थी
क्योंकि आपके पास ब्लैक हो या वाइट हो, बेसिक कुछ होना ही चाहिए, क्योंकि वो हर तरह के आउटफिट के साथ चला जाता है। एंड इसकी जो क्वालिटी है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड इसमें भी मेरा साइज़ है 41.8 इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने 8 देख के ऑर्डर प्लेस किया था एंड इसमें यहाँ पे 41 है, तो इसलिए मैं दोनों ही बता रही हूँ। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो साइज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। कुछ इस तरह से दिखती हैं एंड इसकी हील कुछ इतनी है, देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लग रही होगी बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। एंड इसके अंदर जो मटेरियल है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो काफ़ी अच्छा सा फोम वगैरह लगा हुआ है ना अच्छे से, ये तो आपकी जो पैर है एड़ी बिल्कुल भी दर्द नहीं करेगी। पहनने पे ओवरऑल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड इस तरह का अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हो या फिर आपको बेसिक सी ये बेलीज चाहिए, तो प्राइस है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ। अच्छी खासी शाइन है, एकदम जो जेट ब्लैक कलर होता है ना बिल्कुल सेम वैसा ही है, और लाइट वेट है, और क्या ही चाहिए इस प्राइस में। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगनी थी, सिंपल सी है, बेसिक सी ब्लैक कलर की। तो इसमें आपको व्हाइट कलर ऑप्शन भी मिल जाएगा, बेज भी मिल जाएगा, सो मैंने ब्लैक ली है। अगर इस वीडियो पे मेरे व्यूज़ थोड़े बहुत अच्छे आ गए तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में व्हाइट वाली भी शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है एंड कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा है। साइज़ मेरा 8 है, आप अपने साइज़ की चेक। दिस इज़ री माई 5th परचेज। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, अगेन मैंने एक ट्रांसपेरेंट हील परचेज की थी, और ये भी आपको अंडर 200 रुपीज़ में मिल जाएगी, 200 से भी और कम, क्योंकि कुछ सेलर ना इसको बहुत ही कम प्राइस में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं सॉरी। और इसकी जो हील है ये ब्लॉक हील इस तरह से आपको आ जाती है, एंड इस तरह से यहाँ पे स्ट्रैप लगे हुए हैं। इसको मैंने एक दो बार वियर भी किया हुआ है, लेकिन बिल्कुल मैट पे किया है, सो बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई है। एंड इसकी जो क्वालिटी है ना, उस वाले से बहुत ज़्यादा लो है। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको जिगजैग वाला पैटर्न नहीं मिलेगा, एंड यहाँ पे जो इसका पैटर्न है ना, वो थोड़ा सा स्लिपरी है, तो आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें कलर ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, व्हाइट मिल जाएगा एंड एक ब्लैक कलर है, पूरा प्रॉपर ब्लैक कलर है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल इसका ना हार्ड है, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर को मैंने इसकी तारीफ करते देखा था, बट प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी है इसकी। एंड पहले जब मैंने इसे ऑर्डर किया था, थोड़ी डैमेज रिसीव हुई थी यहाँ से, जैसे कि इसका होता ना वो सब निकला हुआ था, तो मैंने इसे एक्सचेंज किया। एक्सचेंज करने के बाद ये अच्छी खासी है, बट आपको नॉर्मली ऐसे ही चाहिए स्टाइल वगैरह करने के लिए तो आप इसको ले सकते हो। वैसे मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये क्वालिटी इसकी थोड़ी सी लो है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी कंफर्टेबल है पहनने पे, आप इसको इजीली पहन के चल फिर सकते हो, बट क्वालिटी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक की नहीं चलेगी। देखा जाए तो प्राइस के अकॉर्डिंग इस प्राइस में आपको हील मिल रही हैं, तो काफ़ी अच्छी है और बेज कलर है। पहनने पे इसका जो ये स्ट्रैप है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी सा है, अच्छी खासी यहाँ पे इसकी फिनिशिंग है, बट ये बिल्कुल भी पहनने पे कंफर्टेबल नहीं है। थोड़ी ही देर में ना आपका पैर दर्द करने लगता है। हील वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है, इसकी हील की जो हाइट है ना वो भी बहुत सही है, बट मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी। फिर भी अगर आपको ट्राई करना है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिली थी, 180 रुपीज़ में मिली थी, क्योंकि सुपर कॉइन को एंड ऑनलाइन पेमेंट को यूज़ करते हुए ये 180 की पड़ी थी, बाकी आपको 200 से ज़्यादा की नहीं मिलेगी। एकदम लास्ट प्रोडक्ट दिखाने वाले हूँ, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, और ये जो है ना एकदम ज़ारा का ड्यूप है, पर और लोकल हालांकि मैं पहनती नहीं हूँ, बट मैंने ज़ारा पे देखे थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, ज़ारा पे 5000 से अबव ही चला जाता है इसका प्राइस, बट मुझे मिले हैं मीशो पे अंडर 500। एंड ये हैं कुछ इस तरह से, अगर आप कुछ इस तरह का वेयर करते हो ना, ये मेरे कपड़ों से बिल्कुल मैच करे हैं, और काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है एंड लेदर वगैरह की, एंड इसकी हील एग्जैक्ट सेम है ज़ारा के जो लोफर है ना पिंक कलर वाले, एकदम सेम है। पिंक कलर के वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, मीशो पे भी मिल जाएंगे, बट मैंने पिंक नहीं लिया, हॉट पिंक कलर है एकदम, और ये ब्राउन कलर है, ब्लैक भी आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, जो भी आप कंफर्टेबल हो जिस कलर में आप वो परचेज कर सकते हो। साइज बहुत सारे अवेलेबल हैं, सो मैंने पहन के भी दिखाए हैं, बट साइज़ का थोड़ा सा इशू है। ओवरऑल इसकी क्वालिटी बहुत सही है, अगर आपको परचेज करना है इस तरह से ये लोफर, तो आप ये भी कर सकते हो। इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगी, जो मैंने साइज़ पिक किया था 8 किया था, बट वो बड़ा आ गया है, सो आप इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखना अगर आप ऑर्डर करते हो। तो कोई भी नहीं कहेगा कि आपको 500 के अंडर ही मिल जाएंगे मीशो पे।
सो इसका भी लिंक मैं दे दूंगी। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आज की वीडियो में कुछ इतने ही सैंडल परचेज किए थे मीशो से, जिनकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग एंड बिल्कुल हॉनेस्ट रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया है। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो चेक कर लेना है। डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगा। एंड आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेक श्योर लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही यूजफुल कॉन्टेंट मैं आपके साथ डेली बेसिस पर शेयर करती हूँ। एंड से कौन सी हील सबसे ज़्यादा परफेक्ट लगी है आपको, कौन सी सबसे अच्छी लगी है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कर लेना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।